Good day to all of you students. Student, today I shall teach you class 12th English, Vistas lesson 7. Name of the lesson is Evans Tryon O Level. Name of the writer is Colin Dexter, and it's a part 6th of this lesson. Student, it's a part 6th of this lesson, and before this we have read that the Evans said, "Would you mind if I put a blanket around me shoulder, sir?" स्टूडेंट, इससे पहले हमने पढ़ा था जब एग्ज़ाम इवान जो है एग्ज़ाम दे रहा था तो उसने बोला वुड यू माइंड, उसने अपने जो एग्ज़ामिनर को बोला जो उनका उसका पेपर लेने आया था मैकलरी को बोला वुड यू माइंड इफ़ आई पुट ए ब्लैंकेट राउंड माई शोल्डर, कि आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं अपने कंधों पर अपने शोल्डर के ऊपर जो है मैं कंबल डाल लूँ श्रीमान जी. इट्स ए बिट पार्की इन एयर इज़ नॉट इट, इट्स ए बिट पार्की, पार्की मीन्स कूल्ड होना, ठंड होना. उसने कहा ये थोड़ी सी ठंड है सर. इज़ नॉट इट, क्या ऐसा नहीं है. साइलेंस, बिल्कुल चुपचाप था, शांति थी वहाँ. फिर इवान्स ने बोला देयर्स वन ऑन माई बंक एयर सर, सर श्रीमान जी मेरे बंक के ऊपर जो है मेरे सेल में जो है मेरा एक कंबल है, क्या मैं उसे पहन लूँ. मैकलिनी ने बोला बी क्विक अबाउट इट, जल्दी करो. साइलेंस, फिर शांति हो जाती है. एट 10:51 AM 10:51 AM का सुबह का टाइम है स्टूडेंट. स्टीफन वॉज मोर देन ए लिटिल सरप्राइज टू सी ए ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट ड्रेप्ड राउंड इवान्स शोल्डर. और 10:51 का टाइम है सुबह का, और स्टीफन जो है वो बहुत हैरान हो जाता है जब वो देखता है ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट है जो ग्रे कलर का जो रोज़ वो ब्लैंकेट पहनता है वो उसके जो है ड्रेप राउंड था इवान शोल्डर, जो इवान के कंधों पे जो है वो कंबल को देख के हैरान हो जाता है. एंड ही फ्राउन स्लाइटली, और वो थोड़ा सा जो है गुस्सा भी होता है. एंड लुक्ड एट द एग्जामिनी मोर क्लोजली, और वो एग्जामिनी को भी जो है बहुत क्लोजली से पास से देखता है. बट इवान द पेन स्टिल बिटवीन हिज टीथ वॉज स्टेयरिंग जस्ट वेकेंटली एज बिफोर, परंतु इवान जो है अभी भी जो है पेन उसके जो है दांतों में दबाया हुआ है और स्टेयर कर रहा है वेकेंटली, ऐसी खुली जगह पे जो है घूरता चला जा रहा है जैसे कि पहले कर रहा था. ब्लैंकली बनीथ ए ब्लैंकेट, और कहते ब्लैंकली बनीथ ए ब्लैंकेट, ब्लैंक के नीचे कुछ नहीं है. शुड स्टीफन रिपोर्ट द स्लाइट इरेगुलरिटी, तो और स्टीफन ने सोचा क्या वो जो है उसको रिपोर्ट कर दे इसकी कि वो जो है इरेगुलरिटी है कि ये बात सही नहीं है. एनी थिंग एट ऑल फिशी, क्या कहीं कोई शक है संदेह है. हैड नॉट जैक्सन सेड, क्या ऐसा जैक्सन ने नहीं बोला था. ही लुक्ड थ्रू द पीप होल वंस अगेन, और स्टीफन ने जो है दोबारा से फिर पीप होल जो है सेल के बाहर से जो होल बना हुआ था सुराख बना हुआ था वहाँ से एक बार फिर झांका. एंड इवन एज ही डिड सो इवान्स पुल्ड द डर्टी ब्लैंकेट मोर क्लोजली टू हिमसेल्फ, और उसने देखा कि इवान ने क्या किया, जो उसका गंदा सा कंबल था उसने और अपने पास जो है कर लिया हुआ था. वाज ही प्लानिंग ए सडन बैटमैन स्लीप्स टू सफोकेट मैकलरी इन द ब्लैंकेट, और स्टीफन ने सोचा वाज ही प्लानिंग, क्या इवान जो है प्लानिंग कर रहा है कि वो सडन ही बैटमैन लीप टू सफोकेट मैकलरी इन द ब्लैंकेट, कि वो उस ब्लैंकेट के अंदर मैकलरी को जो है सफोकेट कर देगा लीप करके, बैट्समैन की तरह लीप करके जो जंप करके सोफोकेट कर देगा उसका दम घोट देगा. डोंट बी डेफ्ट, शक मत करो. देर वॉज नेवर एनी सन ऑन दिस साइड ऑफ द प्रिजन, देर वॉज नेवर एनी सन ऑन दिस साइड ऑफ द प्रिजन, कहते इस प्रिजन की तरफ तो कभी सूरज की धूप नहीं आई. नो हीटिंग, कभी हीटिंग नहीं हुई आइदर ड्यूरिंग द समर मंथ, इवन के गर्मियों के महीने में भी यहाँ कभी हीटिंग नहीं हुई क्योंकि यहाँ तो कभी सूरज की रोशनी ही नहीं आई यहाँ सेल की तरफ जेल की तरफ. एंड इट कुड गेट क्वाइटली चिली इन सम ऑफ द सेल, और हर सेल के अंदर क्या था जहाँ पे कैदी होते थे वहाँ चिली रहता था, ठंडा ही रहता था वातावरण. स्टीफन डिसाइडेड टू रेवर्ट टू हिज अर्लियर मिनट ऑब्जर्वेशन, और स्टीफन ने जो है फिर पहले की तरह जो है मिनट ऑब्जर्वेशन, हर मिनट जो है ऑब्जर्वेशन शुरू कर दी. हर मिनट में जो है वो जो पीप होल बना हुआ था सेल के बाहर जो है वहाँ से जो है बार बार जो है उसको चेक करता रहता था, देखता रहता था. एट 11:20 AM द रिसीवर वंस मोर क्रैकल्ड अक्रॉस द साइलेंस ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस, और कहते 11:20 पे सुबह फिर एक बार फिर क्या हुआ स्टूडेंट,
एक बार फिर रिसीवर की जो आवाज़ आई, क्रैकल की आवाज़ आई, फ़ोन की घंटी की जो आवाज़ आई, गवर्नर के जो ऑफिस में, जो जहाँ गवर्नर का ऑफिस बिल्कुल साइलेंस था, वहाँ पे एक बार फिर घंटी बजने की आवाज़ आई। एंड मैक्लरी इन्फॉर्म इवांस दैट ओनली 5 मिनट्स रिमेन। और मैक्लरी ने जो है इन्फॉर्म कर दिया इन्विजिलेटर ने कि इवान को अब 5 मिनट बाकी रह गए पेपर में। द एग्जामिनेशन वॉज ऑलमोस्ट ओवर नाउ। और कहते एग्जामिनेशन तो अब ऑलमोस्ट जो है ख़त्म ही हो चुका था। बट समथिंग स्टिल गनार्ड अवे क्वाइटली इन गवर्नर्स माइंड। परंतु अभी भी कुछ ऐसी चीज़ थी जो गवर्नर के दिमाग में जो है बार बार आ रही थी, जिससे उसे कुछ संदेह हो रहा था। ही रीच फॉर द फोन वंस मोर। और वो एक बार फिर जो है फ़ोन के पास गया एट 11:22 AM। और 11:22 में सुबह जो है जैक्सन शाउटेड अलोंग द कॉरिडोर टू स्टीफन। और 11:22 पे जैक्सन जो है शाउट किया कॉरिडोर में, उसने जो है स्टीफन को जो है शाउट करके बोला द गवर्नर वांटेड टू स्पीक विद हिम। और उसने बोला गवर्नर जो है तुमसे बात करना चाहता है। जब 11:20 पे जो है 5 मिनट रह गए थे, 11:22 पे जो है जैक्सन ने जो है कॉरिडोर से ज़ोर से आवाज़ लगा के स्टीफन को बोला कि गवर्नर जो है तुमसे बात करना चाहता है, हरी मैन जल्दी आओ। स्टीफन पिकड अप द फ़ोन अप्रिहेंसिवली। और स्टीफन ने जो है डर के जो है वहाँ जाके फ़ोन उठा लिया एंड लिसन टू द रैपिडली स्पोकन ऑर्डर्स। और उसने जो है वहाँ पे सुना कि क्या ऑर्डर मिला है। स्टीफन हिमसेल्फ वाज अकाउंटेंट टू मैक्लरी टू द मेन प्रिजन गेट। और स्टीफन जो है वो खुद जो है वाज अकाउंटेंट टू द मैक्लरी टू द मेन गेट टू द मेन प्रिजन गेट। स्टीफन जो है मैक्लरी के साथ खुद गया था, मैक्लरी की उसने कंपनी की थी उसको जो है प्रिजन गेट तक जो है। अंडरस्टूड, समझ गया। स्टीफन पर्सनली वाज टू मेक एब्सोल्युटली श्योर दैट द डोर वाज लॉक्ड ऑन इवांस आफ्टर मैक्लरी हैड लेफ्ट द सेल। अंडरस्टूड। और मैक्लरी ने क्या कहा, स्टीफन ने क्या किया, पर्सनली वाज टू मेक एब्सोल्युट। स्टीफन ने जो है पर्सनली अपने आप में जो है ये पूरी तरह से यकीन कर लिया कि डोर वाज लॉक की दरवाज़ा जो था वो बंद था। इवान का दरवाज़ा जो था सेल का वो उसको लॉक कर दिया गया था आफ्टर मैक्लरी हैड लेफ्ट द सेल, जब मैक्लरी ने जो है उस सेल को छोड़ दिया। अंडरस्टूड, अपने आप को ही जो क्लियर किया। अंडरस्टूड। एट 11:25 AM 11:25 का टाइम था द गवर्नर हर्ड द फाइनल एक्सचेंजेस। 11:25 का टाइम था और गवर्नर ने जो क्या सुनाई दिया उसको, फाइनल एक्सचेंजेस, फाइनल जो है बातचीत जो है उसको सुनाई दी। मैक्लरी स्टॉप राइटिंग प्लीज़ साइलेंस। मैक्लरी ने बोला बंद करो अब लिखना प्लीज़। साइलेंस, शांति थी, चुपचाप थी। मैक्लरी ने फिर बोला पुट योर शीट्स इन ऑर्डर एंड सी दे आर करेक्टली नंबर। साइलेंस। और मैक्लरी ने बोला अपनी शीट्स को अच्छे तरह से अरेंज करो और ये देख लो उनके करेक्टली सही से नंबर लगे हुए हैं। साइलेंस। स्क्रैपिंग द चेयर्स एंड टेबल्स। और चेयर के जो है हटने की आवाज़ आ रही थी, चेयर और टेबल की स्क्रैप करने की आवाज़ आ रही थी। इवांस ने बोला थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, धन्यवाद श्रीमान जी। फिर मैक्लरी ने बोला ए राइट वाज इट, ए सही है वाज इट, क्या ऐसा है। इवांस ने बोला नॉट टू बैड, ज़्यादा बुरा नहीं था। मैक्लरी ने बोला गुड मिस्टर स्टीफन, वेरी लाउड और ज़ोर से बोला गुड, ठीक है, अच्छा मिस्टर स्टीफन। द गवर्नर हर्ड द डोर क्लैंग फॉर द लास्ट टाइम। और गवर्नर को जो आवाज़ सुनाई दी, हर्ड द डोर क्लैंग, दरवाजे की क्लैंग करने की आवाज़ आई लास्ट टाइम पे। द एग्जामिनेशन वाज ओवर। और एग्जामिनेशन तो जो है पेपर ख़त्म हो चुका था। हाउ डिड ही गेट ऑन डू यू थिंक, तुम्हें कैसा लगता है कि वो कैसा है, हाउ डिड ही गेट ऑन, उसने कैसा किया, डू यू थिंक, आज स्टीफन एज ही वॉकड बिसाइड मैक्लरी टू द मेन गेट। और कहते हैं जैसे स्टीफन जो है वॉक करके जा रहा था मैक्लरी के साथ मेन गेट तक, तो उसने पूछा हाउ डिड ही गेट ऑन, कैसा उसने किया, डू यू थिंक, क्या कैसा लगता है आपको। ओच आई कैन नॉट थिंक, ही इज़ डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ। और उसने बोला, मैक्लरी ने बोला आई कैन नॉट थिंक, मैं नहीं सोच सकता, ही इज़ डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ, वो अपने आप में ही एक विशेष है। आई एम अफ्रेड, मुझे तो डर लगता है। हिज कोर्स असेंट सीम्ड ब्रॉडर देन एवर। हिज स्कॉट्स असेंट, और उसका जो स्कॉट में बात करने का असेंट था, जो उसका स्कॉट में बात करने का उच्चारण करने का तरीका था वो ब्रॉडर था, कुछ ज़्यादा ही था। एंड हिज लॉन्ग ब्लैक ओवर कोट, और उसने जो एक लंबा काले रंग का कोट पहना हुआ था, रीचिंग ऑलमोस्ट टू हिज नी, जो उसके घुटनों तक पहुँच रहा था,
फॉस्टर था इल्यूशन है, इससे एक भ्रम पैदा हो रहा था दैट ही हैड सडनली ग्रोन स्लिमर, कि वो अचानक ही इतना पतला कैसे हो गया। तो यहाँ क्या बोला स्टूडेंट, मैक्लरी ने बोला आई कैनॉट थिंक ही डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ, आई एम अफ्रेड, मुझे डर लगता है। हिज स्कॉट असेंड सीम्ड, ये स्टूडेंट स्टीफन बोल रहा है कि हिज स्कॉट असेंड, कि जो मैक्लरी आया था उसका जो बात करने का तरीका स्कॉट में था, स्कॉट लैंग्वेज में जो है असेंड कर रहा था, स्कॉट लैंग्वेज में बोल रहा था, तो वो कुछ ज़्यादा ही था। और उसने एक ना लंबा कोट पहन रखा था जो उसके घुटनों तक जा रहा था, ऐसे लग रहा था फॉस्टर्ड द इल्यूशन, कोई भ्रम पैदा हो रहा है। ही हैड सडनली ग्रोन स्लिमर, उसने कहा ये तो अचानक से ही इतना स्लिमर हो गया, पतला हो गया ये। स्टीफन फेल्ट प्लीज दैट द गवर्नर हैड आस्क्ड हिम एंड नॉट जैक्सन, स्टीफन को जो है बहुत अच्छा लगा कि गवर्नर हैड आस्क्ड हिम, गवर्नर ने उसको पूछा, जैक्सन को नहीं पूछा, नॉट जैक्सन, टू सी मैक्लरी ऑफ द प्रमाइसिस, और मैक्लरी को जो है ऑफ किया था उस जगह से, उस प्रमाइसिस से, उस सेल से जो है उसको गेट तक छोड़ के आया था। एंड ऑल इन ऑल द मॉर्निंग हैड गॉन प्रेटी वेल, और जो मॉर्निंग का जो टाइम था, सुबह का जो एग्ज़ाम हुआ था, वो सब अच्छा गया। बट समथिंग स्टॉप्ड हिम फ्रॉम मेकिंग हिज वे डायरेक्टली टू द कंटीन फॉर ए बिलेटेड कप ऑफ कॉफ़ी, बट समथिंग, कहते जब वो गेट पे छोड़ के आया तो उसे ये लगा अच्छा हुआ सब, आज का जो है अच्छा वक्त गया सारा, पेपर अच्छा हो गया। और परंतु कहते कुछ चीज़ ने जो है उसको रोक लिया जब उसने अपना रास्ता बनाया कैंटीन की तरफ फॉर ए बिलेटेड कप ऑफ कॉफ़ी। बिलेटेड होता है जब लेट हो जाना, देरी हो जानी कप ऑफ कॉफ़ी के लिए। तो कहते वो रास्ते में जब जा रहा था तो कुछ उसके दिमाग में जो है कुछ उसको जो है ऐसे किसी चीज़ ने रोका। ही वॉन्टेड टू टेक जस्ट वन लास्ट लुक एट इवेंट्स, और वो जो है वो चाहता था कि कॉफ़ी पीने तो जाएगा लेकिन उससे पहले एक बार लास्ट लुक इवान को एक बार देख लें। इट वॉज़ लाइक ए प्रोग्राम ही हैड सीन ऑन टीवी, कहते ये कैसा था, कहते उसने सोचा कि मैं एक बार इवान को देख लूँ उसके बाद ही कंटीन जाऊँगा कॉफ़ी पीने के लिए। कहते ये इस तरह से था, ये सोच ऐसे थी जैसे कि एक प्रोग्राम होता है टीवी में देखा होता है, कि उसने प्रोग्राम देखा था टीवी में। ही हैड सीन ऑन टीवी अबाउट ए वुमन, कि एक औरत है हु कुड नेवर रियली कन्विंस हरसेल्फ दैट शी हैड लॉक्ड द फ्रंट डोर एंड व्हेन शी हैड गॉन टू बेड। एक बार उसने टीवी में सीरियल में देखा था कि एक औरत होती है उसको अपने आप पे कभी भी विश्वास नहीं होता कि उसने दरवाज़ा बंद कर दिया है। जब वो बिस्तरे पे सोने जाती है तो उस पर उसको भरोसा नहीं आता कि मैंने जो अपना दरवाज़ा लॉक कर लिया है। ऑफन शी वुड गॉट अप 12-15 सम टाइम 20 टाइम्स टू चेक द बोल्ट, और अक्सर जो है वो कभी 12 बार 15 बार और कभी 20 बार जो उठती है देखती है कि कुंडी लगी हुई है नहीं। ही री एंटर डी विंग, और फिर वो दोबारा से जो है डी विंग में आ जाता है। मेड हिज वे अलॉन्ग टू इवान सेल, और फिर जहाँ पे इवान का सेल है, इवान का कमरा है वो, तो उसके पास आ जाता है। एंड ओपन द पीप होल वंस मोर, उस पीप होल को जो है एक बार चेक करता है, पीप होल जिस पीप होल में से वो सुराख में से बार बार देखता था एग्ज़ाम टाइम में, उसी में से एक बार फिर देखता है। ओ नो क्रिस्ट, ओ नो भगवान, देयर स्प्रॉल्ड बैक इन इवान्स चेयर वाज ए मैन। फॉर ए सेमी सेकेंड स्टीफन थॉट इट मस्ट बी इवान, देयर स्प्रॉल्ड बैक इन इवान्स चेयर वाज ए मैन, वहाँ पे एक स्प्रॉल्ड बैक होता है, पीछे स्प्रॉल्ड होता है एक लुढ़का हुआ। देयर स्प्रॉल्ड बैक इन इवान्स चेयर, जो इवान की कुर्सी थी ना वहाँ पे एक लुढ़का हुआ एक आदमी था, मैन था। फॉर ए सेमी सेकेंड स्टीफन, और सेमी सेकेंड जो है नजर आ, सेमी सेकेंड स्टीफन्स थॉट इट मस्ट बी इवान्स, और उसकी जो कुछ ऐसी सोच थी स्टीफन की, कुछ सेकंड के लिए, आधे सेकंड के लिए जो है ऐसी सोच थी, इट मस्ट बी इवान, हो सकता है ये इवान हो जो लुढ़का हुआ आदमी कुर्सी के ऊपर जो पड़ा हुआ है, इवान की कुर्सी के ऊपर, हो सकता है इट मस्ट बी इवान। ए ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट स्लिपिंग फ्रॉम हिज शोल्डर, और वो जो ग्रे कलर का रेगुलेशन ब्लैंकेट था, कंबल था, वो तो उसको उसके कंधों से जो है हटा हुआ था। स्टूडेंट आई हैव टॉट यू पार्ट 6 ऑफ दिस लेसन, रेस्ट ऑफ द थिंग आई शेल टेल यू इन द नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो। आई थिंक यू माइट हैव अंडरस्टूड, यू टेल इट टू अदर स्टूडेंट सो दैट दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस लेसन। एंड स्टूडेंट स्टे सेफ, स्टे एट होम, ओबे योर पेरेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।